अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न फीडबैक मैनेजर के बारे में। इसका क्या रोल है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको हम कैसे जो है मॉनिटर करते हैं। तो उसके लिए हम सेलर सेंट्रल में आते हैं, यहाँ से परफॉर्मेंस में से फीडबैक के कॉलम में आ जाते हैं। फीडबैक के टैब में आप देख रहे हैं कि ये हमारे जो है प्रीवियस फीडबैक्स हैं जो कि सेलर रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं होते। तो लास्ट 30 डेज में मैं देख रहा हूँ कि मुझे 11 जो है वो पॉजिटिव आए हैं और नेगेटिव कोई नहीं है, टोटल 11 है। और ये 90 डेज का आ रहा है, उसके अलावा 365 डेज का और लाइफ टाइम आ रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको पॉजिटिव कौन से हैं। अच्छा, अराइव क्विकली एंड वाज जस्ट एज डिस्क्राइब्ड, ठीक है। अब एक तो ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से आप इसको रिक्वेस्ट रिव्यू भी कर सकते हैं। ओके, ये दे रहा है, ये देखिए सारे जो है ये रिव्यू फीडबैक्स आ रहे हैं, आप यहाँ से इनको रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक्शंस में से आप यहाँ पे पब्लिक रिप्लाई भी कर सकते हैं। और दूसरा एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट रिमूवल का। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई बायर जो है वो ऐसा इरेलीवेंट जो है वो फीडबैक दे देता है जो कि सेलर रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बायर जो है वो यहाँ पे आपको फीडबैक देता है कि डिलीवरी लेट थी, तो इसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं है, हमारी जो डिलीवरी है वो अमेज़ॉन हैंडल कर रहा है। तो हम यहाँ से रिक्वेस्ट रिमूवल पे क्लिक करेंगे तो अमेज़ॉन उसको रिमूव कर देगा। तो इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, आप इसको रेगुलरली चेक करते रहा करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली जब आपके ऊपर हाईजैकर आ जाते हैं तो उसमें ये काफ़ी जो है मैटर करता है, आपकी जो रेटिंग होती है ये बाय बॉक्स में इम्पैक्ट करती है। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे बेशक अप्रोच कर सकते हैं।